नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद केके। आज है 24 मार्च 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो पीएम स्वनिधि योजना थी उसमें कितने लाख लोगों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना भी शुरू की गई थी, तो उससे भी संबंधित कुछ डाटा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा काफ़ी कुछ बताया गया है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हम आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में करेंगे। और शुरुआत करेंगे हम करीला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, क्योंकि इसका हमेशा आयोजन जो हमारी रंग पंचमी होती है उस पर इसका आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों 23 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट कार्य हुआ था, जैसा कि आप सभी को मालूम है 23 मार्च को बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट हटा दी गई थी, गिर गई थी, और उसके बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम बने थे 23 मार्च 2020 को। तो कितने वर्ष हो गए हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को आए हुए, इससे भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आए हैं, तो इन सभी को हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। ऑन माय टेलीग्राम चैनल यू कैन इजीली एक्सेस 2021 होल ईयर करंट अफेयर व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन पिन मैसेज यू कैन गो एंड चेक इट आउट, देयर इज अवेलेबल ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर व्हिच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, करीला मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, करीला मेला सभी को मालूम है और काफ़ी फेमस मेला है, तो इसका आयोजन किस जिले में किया जाता है, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी या फिर विदिशा। इसका राइट आंसर क्या है, अशोकनगर। याद रखिए, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, अशोकनगर आपको याद रखना है। एक सिंधु नदी है जो कि आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, सिंध नदी उसे कहा जाता है, जो कि अशोकनगर और गुना को काटती हुई जाती है, इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात हुई है मेले की, तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ पर लगते हैं, कुछ फेमस मेलों को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि सबसे फेमस मेला है आपका दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, धमोनी उर्स का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों। तो धमोनी उर्स का आयोजन मस्तान वली की मज़ार पर किया जाता है, जो कि सागर में किया जाता है। तो काफ़ी बार पूछा जाता है धमोनी उर्स, तो आपको इसका जवाब देना है सागर, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, अशोकनगर हम लोगों ने देख ही लिया है। इसके बाद पीर बुधान का मेला, याद रखिए पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है, तो यह दोस्तों शिवपुरी में ही लगता है, तो इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना, यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, जैसे कि लोक रंजन महोत्सव कह लीजिए या मेला कह लीजिए, इसका आयोजन कहाँ पर होता है, इसका आयोजन होता है दोस्तों खजुराहो में। खजुराहो महोत्सव सभी को मालूम है 1976 में इसका आयोजन किया गया था, और इस बार कौन से नंबर का यह आयोजन था, इसका जवाब आपको देना है, काफ़ी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आई होप यू कैन ईजिली गिव आंसर। तो खजुराहो महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, 1976 में, और लोकरंजन महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है, खजुराहो में ही इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद आता है एक लोक रंग महोत्सव, यह काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, लोक रंजन है जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, यह किया जाता है खजुराहो में, और लोक रंग कहाँ पर किया जाता है, भोपाल में किया जाता है। चलिए भोपाल की बात हुई, उस भोपाल से संबंधित पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट मेले और आपको जो उत्सव है उनका आयोजन बता देता हूँ, जैसे कि युवा महोत्सव, गीता फेस्ट, यह पूरे के पूरे कहाँ पर आयोजित होते हैं, यह पूरे के पूरे आयोजित होते हैं आपके भोपाल में, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद हम देखते हैं कुमार गंधर्व, यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, देवास में, इसको याद रखिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, इंदौर में, याद रखिए जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, इंदौर में किया जाता है, और इंदौर में ही एक और इम्पोर्टेंट किया जाता है, लता मंगेशकर समारोह का आयोजन भी इंदौर में किया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और मालवा उत्सव, यह काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों, जो मालवा उत्सव है 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, और यह दोस्तों आपको याद रखना है 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी मालवा उत्सव की, और इसका आयोजन कहाँ कहाँ पर किया जाता है, आपका इंदौर में, मांडू में, तो यह आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है मालवा उत्सव का आयोजन। और एक और सिटी है जो कि आप लोग बताएंगे, यह आपका होमवर्क है, आपको सर्च करना है, दो मैंने आपको बता दिया, सन बता दिया, अब आप लोग बताएंगे कि एक और कौन सी सिटी है जहां पर मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। तीन जगह है जहां पर जो आपका मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे निमाड़ उत्सव, 1994 में निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि आपका महेश्वर, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे
देखेंगे दोस्तों खंडवा, खरगोन और भी काफ़ी जगह हैं जहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अनुगुंज महोत्सव। यह काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, अनुगुंज महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उज्जैन में किया जाता है। और मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे बड़ा मेला, जी हाँ, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हमारे भारत में सबसे बड़ा मेला कहलाता है, कौन सा? कुंभ का मेला। और कुंभ का मेला दोस्तों हर चार वर्ष में जो आप लोग देखते हैं अलग अलग जगहों पर आयोजन किया जाता है, और उसी के क्रम में हमारे जो कुंभ का मेला भी 2016 में हुआ था, आयोजन कहाँ पर किया गया था? उज्जैन में किया जाता है, जिसे हम सिंहस्थ कुंभ के नाम से जानते हैं, और यही हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी है। अब चर्चा हुई है मेलों की, तो उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह भी निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा शहर कौन सा है जहाँ पर सबसे अधिक मेलों का आयोजन किया जाता है। यह भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको हमें याद रखना है। तो सबसे अधिक मेलों का आयोजन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में किया जाता है। तो सबसे अधिक मेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उज्जैन में किया जाता है। और सबसे कम मेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? होशंगाबाद में किया जाता है। तो आई होप आप सभी को यह पूरी के पूरी फैक्ट याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में रंग पंचमी के पावन पर्व पर प्रसिद्ध माँ जानकी करेला मेले में पहुँचे हजारों श्रद्धालुओं ने माता जानकी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर लाभ प्राप्त किया। माँ की कृपा से सभी सुखी और समृद्ध रहें, सभी का कल्याण हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने यह कहा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 550 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है? दोस्तों तो यह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत 5 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 550 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है? आपको ऑप्शन नंबर 1 है पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, किसान कल्याण योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 पीएम स्वनिधि योजना। तो दोस्तों पीएम स्वनिधि वही योजना है जिसके अंतर्गत 5 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 550 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। कौन सी योजना? पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वरोजगार से हो रही आत्मनिर्भरता की राह आसान। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 550 करोड़ रुपए एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 3 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 300 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आप सभी को मालूम है कोरोना काल में काफ़ी सारे लोग थे जो कि ठेले या रेहड़ी लगाते थे और उनका रोजगार छिन गया था, जिस कारण से उन्हें दोबारा से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई थी। केंद्र सरकार योजना का नाम था स्वरोजगार, यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका नाम था पीएम स्वनिधि योजना और मध्य प्रदेश में इसी तरीके की योजना शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना। इन दोनों में अंतर इतना था कि जो केंद्र वाली योजना थी वह शहरी पथ विक्रेताओं के लिए थी, परंतु उसमें ग्रामीण पथ विक्रेताओं को लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मध्य प्रदेश में ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना शुरू की गई। तो दोनों को आपका इतना ही कॉमन सेंस है, दोनों में 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आगे इसको बढ़ाने की भी बात की जा रही है, 20,000 रुपए तक इसे किया जाएगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है और इसके क्रियान्वयन में भी हमारा प्यारा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा था। स्वच्छता सर्वेक्षण में आप सभी को मालूम है तीसरे नंबर पर था, लगभग टोटल 38 इसको अवार्ड मिले थे। तो यह सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमें याद रखने हैं और काफी अच्छे तरीके से हमें याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के अंतर्गत विगत 2 वर्ष में कितने लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं? तो यह इस योजना के क्रियान्वयन में भी हमारा मध्य प्रदेश नंबर है दोस्तों, नंबर 1 है मध्य प्रदेश। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके क्रियान्वयन में क्या है? नंबर 1 है हमारा मध्य प्रदेश, जिसको आपको याद रखना है। तो कितने आवास पूर्ण किए गए लास्ट 2 ईयर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था 23 मार्च को कितने वर्ष हो रहे हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को, यह हम अभी आगे देखेंगे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कितने वर्ष हो रहे हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 वर्ष में 10 लाख से अधिक जो शहरी एवं ग्रामीण मकान है उनका निर्माण किया गया है। हर वर्ग रहा खुशहाल, निरंतर विकास के 2 साल, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 10 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए। अब देखते हैं 23 मार्च को शिवराज सरकार के कितने वर्ष हो जाएंगे पूर्ण, और आप सभी को मालूम है कितने वर्ष हो जाएंगे पूर्ण? 2 वर्ष हो जाएंगे पूर्ण। चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली थी इसी दिन, यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और एकमात्र मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के जो सबसे लंबे समय तक और चौथी बार शपथ ली है दोस्तों, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। 23 मार्च को शिवराज सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर होंगे विशेष कार्यक्रम, और इसके साथ ही साथ छोला क्षेत्र में चांदवाड़ी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की 2 दिवसीय कार्यशाला, इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की भी स्थापना की गई है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, करंट का है, तो इसको आपको याद रखना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, श्री शिव चौबे हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष, और जो श्री स्वामी अखिलेश गिरीनंद जी हैं यह मध्य प्रदेश के जो गौ संवर्धन बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं। तो दोनों को याद रखना है, एक साथ 2 अध्यक्ष आपके पूरे हो रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए कहीं पर, और नहीं है तो आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो इसके अध्यक्ष कौन है, श्री शिव चौबे हैं और स्वामी अखिलेशानंद जो गिरी जी हैं यह किसके अध्यक्ष हैं, गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 2 दिन का यह पूरा का पूरा कार्यक्रम और उसमें यह अध्यक्ष थे। चलिए आज के आपके क्वेश्चन है, भोपाल में निर्मित होने वाले ग्लोबल स्किल पार्क से प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को स्किल में प्रशिक्षित किया जाएगा, इसका नया नाम भी क्या है यह भी आप लोग बताएंगे, अभी हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया है, और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जल संसद का आयोजन कब किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।